योर टास्क इज टू फाइंड फाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज यू कैन बाय के अमाउंट हमें बताना क्या है कि हमें बताना है कि इस के रुपए के साथ हम कितने टॉयज बाय कर सकते हैं ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास सात टॉयज हैं और हमारे पास टोटल पैसा पचास रुपए तो हम कितने टॉय खरीद सकते हैं वन फाइव टेन ट्वेल्व हम कितने टॉयज खरीद सकते हैं फोर टॉयज खरीद सकते हैं ठीक है तो हम आउटपुट क्या कर देंगे हम फोर आउटपुट कर देंगे नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास थ्री हमारे सौ रुपए हैं तो हम कितने खरीद सकते थर्टी हंड्रेड तो हम कितने खरीद सकते हैं थ्री तो हम कितना प्रिंट कर देंगे हम पूरा थ्री प्रिंट कर देंगे ठीक है आप टास्क देखते हैं हमारा क्या है हमारा टास्क है यू डो नॉट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग हमें कोई इनपुट रीड नहीं करना ना ही प्रिंट करना है हमारा टास्क है हमें फंक्शन टॉय काउंट को कंप्लीट करना है जो कि इंटीजर लेगा इंटीजर के लेगा और एरे लेगा हमारा ठीक है इनपुट पैरामीटर और रिटर्न क्या कर देगा हमारा रिटर्न कर देगा कि कितने टॉयज हम बाय कर सकते हैं उसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओमेगा ऑफ एन लॉग एन इसका इनडायरेक्टली ये मतलब है कि यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन का अप्रोच बहुत ही ज़्यादा सिंपल है हमें करना क्या जो भी एरे सबसे पहले उसको शॉर्ट कर देंगे ठीक है तो शॉर्ट करेंगे ए से लेके ए प्लस एन तक नेक्स्ट हमको क्या करना है अपने शॉर्टेड एरे में फॉर लूप चलाना है कहाँ से आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक और आई प्लस प्लस और इसके अंदर हमको क्या करना है एक वेरिएबल बनाना है बाहर जो कि होगा हमारा नंबर ऑफ टॉयज जो कि आंसर से हम बनाएंगे और एक और बनाएंगे हमारा जो कि होगा यूज्ड मनी कितना हमने यूज कर लिया है ठीक है अब यहां पे हम क्या चेक करें यहां पे हम अपने यूज मनी में यूज मनी में ऐड कर देंगे क्या अरे एट आए ठीक है उसके बाद हमको क्या चेक करना अगर हमारा ये जो पैसा है अगर जो हमारा यूज मनी है वो ग्रेटर हो जाता है से तो हम यहां पे रुक जाएंगे तो अगर हमारा यूज मनी ज्यादा है किससे यूज मनी हमारा ज़्यादा है जो हमारे पास अवेलेबल मनी यानी अगर हमारा यूज मनी ज्यादा है अवेलेबल मनी से तो हम ब्रेक कर जाएंगे ठीक है इसके आगे कुछ नहीं करेंगे और अगर ये केस नहीं है तो हम क्या कर देंगे जो हमारा आंसर है हम एक और टॉय खरीद सकते तो हम उसे एक से बढ़ा देंगे और जैसे ही हमारा फॉल लूप खत्म होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा और लास्ट में हम क्या कर देंगे इस आंसर को रिटर्न कर देंगे तो काफी सिंपल अप्रोच था चलिए इसी अप्रोच को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं एग्जाम्पल क्या वो देखते हैं पुराने एग्जाम्पल पे चलते हैं हमको दिया गया है ये एरे ठीक है तो हम सबसे पहले इसे सॉर्ट करेंगे तो ये हमारा जाएगा वन फाइव टेन ट्वेल्व वन फाइव टेन ट्वेल्व हंड्रेड एंड इलेवन टू हंड्रेड और टू थाउजेंड हंड्रेड एंड इलेवन टू हंड्रेड और वन थाउजेंड ठीक है इसे हमने सॉर्ट कर दिया अब हमें क्या करना है फॉर लूप चलाना है सबसे पहले क्या होगा आईज इक्वल टू जीरो पे ये एलिमेंट है ठीक है तो हम क्या करेंगे अपने जो करंट सम है उसमें हम वन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा वन क्योंकि इनिशियली हमको क्या करना है यूज मनी को जीरो करना है तो हमारा यूज मनी कितना हो जाएगा वन और जो टॉय है वो भी एक से बढ़ जाएगा तो आंसर भी हमारा हो जाएगा वन फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम आएगा अब ये वन प्लस फाइव सिक्स हो जाएगा तो ये सिक्स हो जाएगा और टॉय हमारा वन से टू हो जाएगा क्योंकि सिक्स हमारा फिफ्टी से कम है जो कि हमारा गिव अमाउंट है ठीक है फिर हमारा क्या होगा फिर से आएगा अब ये सिक्स में टेन और ऐड करेगा तो ये सिक्सटीन हो जाएगा सिक्सटीन हमारा फिफ्टी से कम है तो हमारा एक और टॉय बढ़ जाएगा थ्री फिर क्या होगा फिर से अंदर आएगा अब ट्वेल्व ऐड करेगा सिक्सटीन में सिक्सटी में ट्वेल्व ऐड करेगा तो ये हमारा हो जाएगा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट हमारा फिफ्टी से कम है ठीक है ट्वेंटी एट हमारा फिफ्टी से कम है तो अभी वो एक और टॉय खरीद सकता है तो फोर टॉयज हो गया और नेक्स्ट टाइम आएगा तो वन हंड्रेड ट्वेल्व ट्वेंटी एट जो कि ग्रेटर हो जाएगा फिफ्टी से तो इस केस में वो टॉय नहीं खरीद पाएगा और लूप को ब्रेक कर देगा ब्रेक का मतलब है इस से, से बाहर आ जाएगा, और जो भी अब चलते एडिटर के ऊपर तो आ चुके अपने एडिटर के ऊपर हम क्या करेंगे सबसे पहले? सब पहले हमें इसको सॉर्ट करना है अपने एरे को तो अगर हम ध्यान से देखें एरे नहीं दिया वेक्टर दिया है तो वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन का पॉइंटर निकालने के लिए हम लिखते हैं ए आर आर जो कि वेक्टर का नाम है डॉट बिगिन लिखेंगे तो इससे हमें वो पॉइंटर मिलेगा जो एरे के जीरो इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है और इसे हमें कहाँ तक शॉर्ट करना है एरे डॉट एंड तक तो एरे डॉट एन अब जो हमारा ए आर आर है वो शॉर्टेड हो जाएगा इस कोड के बाद हमारा ए आर शॉर्टेड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हमको क्या करना है जैसे हमारा एरे सॉर्ट होगा हमको फॉर लूप चलाना है ठीक है फॉर कहाँ से कहाँ तक चलेगा i इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एन तक चलेगा एन हमारा कैपिटल होना चाहिए यहां पे लिखा हुआ है ठीक है और आई को एक से बढ़ाते रहेंगे आई प्लस प्लस नेक्स्ट हमको क्या करना है इसके अंदर इसके अंदर हमें एक हमको पहले वेरिएबल बनाना है जो कि हमारा इंट स्पेंड जहां पे हम देखेंगे कितना पैसा स्पेंड कर चुके हैं इनिशियली जीरो होगा साथ साथ में एक बनाएंगे नंबर ऑफ टॉयस जिसे हम आंसर से बना सकते हैं ए एन एस से और इसे भी शुरू में जीरो रखेंगे अब यहाँ पे हमको क्या करना है स्पेंड में ऐड कर देना है क्या स्पेंड प्लस इक्वल टू एरे एट आए ठीक है और उसके बाद हमको क्या चेक करना है क्या हमारा स्पेंड ग्रेटर देन के है ग्रेटर देन के अगर ये ग्रेटर देन के है तो हमें ब्रेक कर जाना है और अगर ये ग्रेटर देन के नहीं है तो हमको क्या करना है यहां पे आना है और आंसर को एक से बढ़ा देना है आंसर प्लस प्लस ठीक है और जैसे ही हमारा लूप खत्म होगा हमको क्या करना है हमको प्रिंट कर देना है हमको रिटर्न कर देना है हमारा आंसर तो हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन था तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं अभी इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केसेस चलेंगे सेवन और फिफ्टी के लिए क्या वैल्यू आई है वो देखते हैं सेवन और फिफ्टी के लिए हमारा रिजल्ट आया था फोर और हमें यहाँ पे भी रिजल्ट मिल रहा है फोर चलिए अभी प्रॉब्लम को सबमिट करके देखते हैं हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली आ चुकी है क्यों क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने क्या किया यहाँ पे यहाँ पे हमने सबसे पहले उसे शॉर्ट कर दिया शॉर्ट करने के बाद वो ऑर्डर वाइज आ चुके थे और ऑर्डर वाइज में हम मिनिमम मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं छोटे से लेके बड़े तक जाते रहेंगे और जहां पे अमाउंट एक सीड होगा वहां पे हम रुक जाएंगे ब्रेक कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि अभी तक हमने कितने टॉय खरीदे हैं और उतना हम रिटर्न कर देंगे तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन और अप्रोच समझ आया होगा इसके अलावा अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां पर हम डेली क्वेश्चन अपलोड करते हैं और शाम को उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं तो आई होप इसका सॉल्यूशन आपको समझ आएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दीडियो